ये है 103.7 रेडियो एफएम और मैं हूँ आपके लिए आपका चहेता आरजे शंकर। ईस्ट ऑफ कैलाश नगर से लाजपत नगर स्लो मूविंग ट्रैफिक, राजेंद्र नगर से ताल कटोरा की तरफ हैवी ट्रैफिक और धौला कुआं से इंडिया गेट की तरफ आपको इस वक्त मिलेगा हैवी ट्रैफिक। 9 बज गए हैं और अभी तक हम इस ट्रैफिक में फंसे हैं, पता नहीं कब पहुँचेंगे। पर जब तक यहाँ इसी ट्रैफिक में अटके हुए हैं तब तक कीजिए गाना एंजॉय। मैम वो अरुंधति सिंह से मिलने आ रहे हैं, स्टेट की नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर से, वेट करेंगे आपका। रंजन अंकल वहाँ जाना जरूरी है क्या? नहीं एक्चुअली मैम, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था आपकी सिक्योरिटी को थ्रेट है। अगर आपको किसी को मैसेज देना है तो फोन घुमाइए और मुझसे बात कीजिए। और ये देखिए आ गया पहला कॉलर। हेलो, अपना नाम बताइए और किसके लिए मैसेज देना चाहेंगे? बेटा, जब कोई आदमी देश के बदलाव के लिए पॉलिटिक्स में कदम उठाता है ना, तो अपने आप ही उसके दुश्मन बन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने दुश्मनों से डर कर पीछे हट जाएं। डोंट वरी। हाँ दी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सिक्योरिटी का सारा इंतजाम मैंने देख लिया। अरुणा जी, अपोजिशन पार्टी पीपुल्स पार्टी की लीडर, वाओ, इसे कहते हैं नयापन। तो बताइए मिस्टर, क्या है आपका मैसेज? मैसेज नहीं, चेतावनी है। अरुणा जी, अगर आप नहीं चाहती कि आपकी क्रीम साड़ी आज आपके खून के रंग से लाल हो जाए तो वापस लौट जाइए। अगर आज आपका कैंपेन हुआ तो व्हाट, क्या मजाक है? उनसे कह देना उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। Congratulations, Chief. फूट गया तो। राजबीर को भी इनसाइड इंफॉर्मेशन मिली है। पद्मश्री अवार्डीज की लिस्ट आज रात अनाउंस होने वाली है और उस लिस्ट में एक बहुत ही खास नाम है, CBI चीफ दिलीप चौहान का। So this is for you. सर, सेलिब्रेशन तो अभी से शुरू होना चाहिए। हम आपको लंच पे ले जाना चाहते हैं। इनफैक्ट स्वाति, बिक्रम और राघव तो रेस्टोरेंट में हमें सीधे मिलने वाले हैं। तो चलिए। उन्हें वापस हेडक्वार्टर्स बुला लो। कोई सेलिब्रेशन नहीं होगी। पर सर ये तुमने रेडियो पर सुना नहीं? रंजन जी, मैं जानती हूँ इलेक्शन सर पर है, लेकिन अरुणा जी की रैली उनकी जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, वी आर नॉट श्योर कि ये कोई प्रैंक कॉल था कि नहीं, बट वी रियली मस्ट बी कॉशियस। व्हाट? नहीं, गवर्नमेंट ने हमें कॉल करने के लिए नहीं कहा है, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मिस्टर रंजन, प्लीज ट्राई टू, मिस्टर रंजन त्रिपाठी, अरुणा जी के एसोसिएट, बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। कह रहे कि अरुणा जी ने खुद रेडियो पर ये प्रैंक कॉल सुना है, लेकिन उन्हें उनका काम करने से कोई नहीं रोक सकता है। उन्हें लगता है कि रूलिंग पार्टी उनके कैंपेन में बाधा डालने की कोशिश कर रही है। एंड दे आर प्रीटी श्योर दैट इट वाज अ प्रैंक कॉल। ये प्रैंक कॉल नहीं था। आज अरुणा जी ने कौन से कलर की साड़ी पहनी है? गोल्डन बॉर्डर वाली क्रीम साड़ी। हाँ, क्रीम साड़ी। ये न्यूज अभी भी वेबसाइट पर फ्लैश भी हुई थी, अरुणा इन द सिटी। प्रैंक कॉलर्स कभी किसी के कपड़ों के डिटेल्स चेक नहीं करते। कॉल हिम अगेन। फोन नहीं उठा रहे। उन्हें मैं कैसे समझाऊं कि अरुणा जी की जान को सच में खतरा है? चलो अरुणा जी का भाषण सुनने चलते। CBI. I'm sorry, sir. लेकिन बिना इनविटेशन के मैं किसी को अंदर जाने नहीं दे सकता, इवन CBI. What? अरुणा जी की जान खतरे में, हम यहाँ उनकी सिक्योरिटी के लिए आए। देखिए, मैं उनका सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ, आप बेफिक्र रहिए, मेरे रहते उनके आसपास भी कोई पर नहीं मार सकता। सर आप समझ रहे हैं? अंदर माइक खराब हो गया है, किसी को भेजो। हेलो त्रिशा, यहाँ की सिक्योरिटी हमें अंदर जाने नहीं दे रही। हाँ क्या? ओके, त्रिशा कह रही है कि ऑर्डर पास करवाने की कोशिश करेगी। तो टाइम नहीं हमारे पास, कुछ और सोचना होगा।
कौन तुम लोग? सब माइक ठीक करने जा रहे हैं। इसमें क्या? बोलो। ठीक है, वायर्स, बैटरीज, घड़ी। तो माइक ठीक करने आए हो कि बम बनाने आए हो? हाँ सर, ये सब सामान हमारी जरूरत का है सर। लेकिन एक काम कर, इनको थाने ले चल, वहीं जाके पूछेंगे। चल। चल, नहीं नहीं साहब, हम चले जाते हैं साहब। ठीक है, हम छोड़ दे। और हाँ, मेरे टूल किट छोड़ के जाओ यहाँ पर, और ये कैप्स भी। ठीक है साहब। चलो, देख लो। अंदर तो आ गए, लेकिन जावेद भी यही कहीं होगा। ये माइक तो ठीक होने से रहा, लगता है कि सरकार का बस किसी और चीज पे नहीं चला तो माइक ही बंद करवा दिया। उन्हें डर था कि कहीं मैं उनके काले धन और काले धंधों की पोल खोल बैठूंगी। कैसे ये सरकार देश के लोगों का पैसा अपने पर्सनल अकाउंट्स में जमा कर रही है? कैसे यही सरकार आप जैसे अमीर लोगों से आप ही के सरकारी टेंडर पास करवाने के लिए रिश्वत मांगती है और आप लोग देते भी हैं? मैं यहाँ सिर्फ फंड्स की अपील करने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि आप लोगों को वॉर्न करने के लिए आई हूँ कि अगर आप लोग मेरी पार्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो आप लोगों को कोई इलीगल फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं हर काम सिर्फ और सिर्फ देश के फायदे के लिए ही करूंगी। इस देश से करप्शन हटाना मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे ही इस देश से करप्शन हटेगा, इस देश की उन्नति होगी। लेकिन इस सब में मुझे आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। मैं चाहती हूं कि आप लोग मेरे पार्टी में इन्वेस्ट ना करें इसलिए कि आपको कोई पर्सनल फेवर चाहिए हो, बल्कि देश के फ्यूचर के लिए। धन्यवाद। यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। आई थिंक अरुंधति जी यहाँ काफी सेफ। मैं यहाँ से बाहर निकलने से रोक रहा हूँ। चले आई। सर यही है, बोलो। तुम नीचे की सिक्योरिटी संभालो, मैंने देख। ओके सर। आप लोग सीबीआई से होकर चोरों की तरह? अगर सीबीआई ऐसे करेगी तो फिर देश क्या करेगा? हम देश का ही काम कर रहे हैं। अरुणा जी की जान खतरे में? कोई खतरे में नहीं। मैं इस कॉन्क्लेव का चेयरमैन हूं और मैंने उनकी सिक्योरिटी खुद डबल चेक की। देखिए, आप जितना इंटरफेयर करेंगे हमें सिचुएशन को हैंडल करने में उतनी ही देरी। और वैसे भी अरुणा जी ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी है कि यहां पर कोई भी सरकारी ऑफिसर नहीं आना चाहिए, तो प्लीज आप लोग यहां से जाएं। ये तो बुलेट होल है। तो किसी ने अरुणा जी पर गोली चलाई यहीं हमारी आंखों के सामने। मतलब किलर यही कही था सबके बीच।
गोली चली थी लेकिन किसी को सुनाई नहीं दिया। He's used a silencer. और सबका ध्यान अरुणा जी पर ही था। नताशा, वो थ्रेट रियल है। किसी ने अरुणा जी को मारने की कोशिश की हमारी आंखों के सामने। हाँ, यही कॉन्क्लेव। इस बात निशाना चूक गया, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अरुणा जी अगले बार इतनी लकी हो। हमें किसी भी हालत में उस शूटर से पहले अरुणा जी तक पहुंचना होगा। हमें उनकी अगली लोकेशन के बारे में पता लगाना होगा। ओके। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, वो गन लेकर अंदर घुसा कैसे? राइट। एक बार वो जावल की नजर से बच भी जाता तो वो इस मेटल डिटेक्टर से कैसे बचा? या तो उसे जानबूझकर बिना रोके अंदर एंट्री दी गई, या फिर वो गन उसे अंदर ही दी गई। तो ये काम किसी अंदर वाले का ही। ऐसा आदमी जो अरुणा जी के बहुत करीब, और अगर वो ये काम एक बार इतनी सिक्योर लोकेशन पर कर सकता है तो अगली बार भी कर सकता है, यानी कि अगली लोकेशन पर। इससे पहले अरुणा जी वहां पहुंचे हमें किलर तक पहुंचना होगा। बाकी सारे जवाब वही देगा। सुनो बेटा, तुम स्कूल के फंक्शन में जा रहे हो ना, डरो मत, कुछ नहीं करूंगा मैं। मैं भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हूँ, तुम हेल्प करोगे मेरी? क्या है? मेरे फ्रेंड का बर्थडे है और मैंने उसे अभी तक गिफ्ट नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे स्कूल के अंदर है ना, और मुझे अंदर जाने नहीं देंगे। अब मैं उसे कैसे गिफ्ट दूं? सोचो, अगर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को गिफ्ट नहीं मिला तो कैसा लगेगा उसे? हाँ, अगर तुम हेल्प कर दो तो मेरा फ्रेंड भी खुश हो सकता है। पर मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ अंकल? तुम ये गिफ्ट अंदर ले जाके मेरे फ्रेंड को दे सकते हो? वहाँ तो सब लोग ने मास्क पहने हुए हैं, मैं उसे पहचानूंगा कैसे? तुम पहचान जाओगे बेटा, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड सेम मास्क पहनते हैं ना। और हाँ, इस गिफ्ट को खोलना नहीं, सरप्राइज खोलते नहीं है ना। चल, अब चल। अरे अरे, तुम तो स्टूडेंट हो, तुम्हारी चेकिंग नहीं होगी, तुम जाओ इधर से। ओके अंकल। अंकल अंकल अंकल, आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपके लिए गिफ्ट भेजा। थैंक यू। कहाँ गायब हो गए जावेद मियां? जावेद मियां, बहुत अच्छी जगह ढूंढी है आपने छुपने के लिए, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, बाहर आ जाइए।
इस शहर और देश के सबसे बड़े बड़े नामचीन लोगों ने मुझे फूलों के हार पहनाए, दिल खोलकर मेरे पार्टी को फंड्स दिए, लेकिन तब भी मुझे इतनी खुशी नहीं हुई जितनी कि मुझे इस गुलदस्ते से हुई है, क्योंकि ये गुलदस्ता देश के फ्यूचर के हाथों से बना है, वो हाथ जो कल जाकर के इस देश को बनाएगा, और इसी फ्यूचर के लिए मैं अपने पार्टी फंड्स का एक हिस्सा स्कूल डेवलपमेंट में देती हूं। ये फंड्स पार्टी के कैंपेन के लिए, अगर आप यह सब खर्च कर देंगे तो। रंजन जी, इलेक्शंस तो हर साल होते रहते हैं, लेकिन अगर खराब स्कूलिंग के वजह से किसी भी एक बच्चे का साल खराब हो जाए तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। रुकिए, जर्नलिस्ट अलाउ नहीं है। हम जर्नलिस्ट नहीं, सीबीआई हैं। एक मिनट, हेलो सीबीआई, यहाँ पर भी आ गए आप लोग प्रॉब्लम क्रिएट करने। सर, अरुणा जी की जान सच में खतरे में है। हाँ, मुझे पता है, सुबह से यही बात सुन रहा हूँ मैं। आप लोगों को चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया ना ये सब करने को? सर, कॉन्क्लेव हॉल पर उन पर गोली चलाई गई थी, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो फिर बहुत देर। सबूत क्या है आपके पास? एनी प्रूफ? हेलो, क्या लगा? व्हाट? ओके, ऑलराइट, ओके। मिस्टर रंजन प्लीज, आपको सबूत चाहिए था ना? आपका सिक्योरिटी हेड जावेद अभी कॉन्क्लेव हॉल में मरा हुआ मिला है। व्हाट? मिस्टर रंजन, अब आप हटेंगे या आप हमारे साथ चलिए? अरे क्या कर रहे हो? हो सकता है ये चीफ मिनिस्टर की चाल। अंकल, पॉलिटिकल एजेंडा मुझे समझ में आता है, बट बात यहाँ मेरी माँ की सिक्योरिटी की, और मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता तो चाहे पॉलिटिक्स पे कोई भी असर पड़े। आप लोग प्लीज। थैंक्स आदित्य, आई रियली अप्रिशिएट। यहाँ बहुत भीड़ है और हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, विक्रम के फोन पर लाइव वीडियो भेजती हूँ। जस्ट हैव अ लुक, इन केस यू नोटिस समथिंग। कोई ऐसा आदमी जिसे तुमने वहाँ पर कॉन्क्लेव में भी देखा होगा? ओके, होल्ड ऑन। वो ग्रे जैकेट वाला जिसने मास्क पहना हुआ है, ये तो यहाँ कॉन्फ्रेंस में भी था। साथी, वीडियो में एक ग्रे जैकेट वाला है। देखो वो जो आगे जाने की कोशिश कर रहा है। सर, कम। बहुत स्मार्ट है ये बंदा, जिस जैकेट की वजह से हम उसे स्पॉट कर रहे थे यहीं पर छोड़ गया। एजेंट त्रिशा, क्या हुआ, पकड़ लिया किलर? मिस्टर रंजन, फिलहाल तो नहीं। थैंक्स टू यू फॉर नॉट लेटिंग अस इन बिफोर, बट डोंट वरी, बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। हो सकता है कि यह आपकी गलत फहमी हो, क्योंकि जावेद की मौत हार्ट अटैक से हुई। जय हिंद सर। अभी अभी डॉक्टर ने कंफर्म किया,
आप चाहें तो अपने सुपीरियर को फोन करके पता कर सकते हैं, एंड आई थिंक उनका फोन आपको आ ही जाए। चीफ का फोन आया आपके लिए, हमें इस केस से बैकआउट करने के लिए कहा। रंजन ने किसी मिनिस्टर को फोन करके मीडिया में जाने की धमकी दी, इसलिए चीफ के पास ऑर्डर्स हैं। ठीक है, किलर की जेब में 10 साल की लड़की का फोटो, हो सकता है उसका अगला शिकार या पिछला, हो सकता है वो एक प्रोफेशनल किलर, लेकिन फिर उसका निशाना बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। और कौन है ये बच्ची? मैं इस इमेज को सर्च करती हूँ, मुझे लगता है शायद इसका किलर से कोई लिंक हो। दिशा, विक्रम अरुणा जी के गेस्ट हाउस में नजर रखे हुए और राजवीर जावेद के बारे में पता लगाने गया। डोंट वरी, हम उस किलर और इस पूरे षड्यंत्र के मास्टरमाइंड तक पहुंच ही गए। ऑपोजिशन गवर्नमेंट, एवरीबॉडी इज अगेंस्ट अस, सबको अपने वोट बैंक और इमेज की पड़ी हुई है। देयर इज अ लाइफ एट स्टेक राघव, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। और तो और उन्हें कन्विंस करने के लिए हमारे पास ना कोई एविडेंस है, ना कोई सुराग है, नथिंग। गाइस, मुझे कुछ पता चला है। मुझे ये पता चला है कि कल रात तक जावेद सिक्योरिटी टीम में था ही नहीं। What? What do you mean? तो बात ऐसी है कि जावेद जो है वो अरुणा जी की ओरिजिनल सिक्योरिटी टीम मेंबर में से नहीं है, उसे अलग से हायर किया गया, वो भी आज सुबह। किसने? No clue। खुद पर शक कर रहे हैं? अब जानते भी हैं ना कौन है? जानते हैं, आप गोयल इंडस्ट्री के सीईओ हैं। हमें यह भी पता है कि आप पे करप्शन के कितने एलिगेशन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अरुणा जी के नो करप्शन स्टैंड से डर गए थे, इसीलिए आप इसीलिए आपने जावेद को जल्दबाजी में हायर किया, जिससे कि वो आपका काम आसानी से कर सके। नहीं, मैंने जावेद को हायर किया क्योंकि रंजन जी बार बार मुझे फोन कर अरुणा जी की सिक्योरिटी अरेंजमेंट पर क्वेश्चन कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अरुणा जी की लाइफ को थ्रेट है। आप जानते हैं अगर उनकी लाइफ को कुछ भी हो जाता तो मेरा क्या हाल होता? पूरे स्टेट का प्रेशर मुझ पे आ जाता, इसलिए लास्ट मोमेंट पर मैंने उनकी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए जावेद को हायर किया। देखिए प्लीज, मैं कल्प्रिट नहीं हूं। जावेद इज एन एक्स कमांडो, ही वाज बेस्ट एट हिज वर्क। इनफैक्ट रंजन जी ने भी उसका इंटरव्यू लिया एंड वो बहुत इंप्रेस थे जावेद से। All right, I hope कि आप सच बोल रहे हो, क्योंकि अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। Remember that। तुम्हें क्या लगता है, सुधाकर सही बोल रहा है? सुबह एक अननोन कॉलर अरुणा जी को धमकी देता है, उसके बाद कॉन्फ्रेंस पर उन पर अटैक होता है। एक बार मान लेते हैं कि सुधाकर गोयल ने जावेद को खरीदा और फिर बाद में उसे मार दिया, लेकिन स्कूल में सुधाकर गोयल का कोई कंट्रोल नहीं। दिशा, ये किसी ऐसे आदमी का काम है जिसके पास हर वेन्यू का एक्सेस, जो कहीं भी कभी भी आ जा सकता है। ठीक है, मैं विक्रम को कहती हूँ कि स्कूल में पूछताछ जारी रखें। उस लड़की के बारे में पता चल गया, उसका नाम रिंकी शर्मा है और वो लाजपत नगर में रहती है। राजवीर को कहो कि उसके एड्रेस पे जाकर पता लगाए। राघव, अरुणा जी की पार्टी वर्कर मीटिंग 2 बजे थी ना? आई थिंक हमें वहां चलना चाहिए। What? पीछे की जगह कोई सिक्योरिटी नहीं है? I don't believe this। उन्होंने सोचा होगा यहाँ से कोई नहीं आएगा। राघव, ऐसा कैसे सोच सकते हैं और क्यों सोचेंगे? ये तो किलर के लिए रास्ता साफ करने वाली बात हो गई।
आप कौन? मैं तो यही पड़ोस में रहती हूँ। इस घर का दरवाजा खुला देखा तो सोचा शायद रिंकी मिल गई होगी। रिंकी? रिंकी मिसिंग है? हाँ, पिछले 2 दिन से उसके पापा सुबोध उसे ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए। और फिर कल तो बहुत अजीब चीज हुई। हाँ विक्रम बोलो। अभी अभी एक बच्चे ने बताया कि किसी ने उसको एक गिफ्ट दिया था उस जैकेट वाले आदमी को देने के लिए। आई एम श्योर उसमें गन थी। बच्चों की चेकिंग नहीं हुई थी क्या? नहीं, सिक्योरिटी वालों को साफ मना किया है कि बच्चों की चेकिंग नहीं होगी। ये ऑर्डर किसने दिया था? रंजन ने। रंजन ने ऑर्डर्स दिए थे कि बच्चों की चेकिंग नहीं होगी। रंजन ने ही जावेद का इंटरव्यू लिया था और उसे अप्रूव किया था सिक्योरिटी चेक। रंजन ही एक ऐसा आदमी है जिसे सभी जगह जाने का एक्सेस। और रंजन ही है जो चाहता है कि हम इस केस से दूर रहें। कैसी अजीब चीज? कल शाम तो उसके पापा भी गायब हो गए। मतलब? पुलिस वाले एफआईआर में टाइम लगा रहे थे। रिंकी के पापा ने इसीलिए उसे खुद ढूंढने का सोचा। वो जहाँ से गायब हुई हम वहीं उसे ढूंढना शुरू करने वाले थे। मैं तो वक्त पर पहुंच गई पर रिंकी के पापा वहां पहुंचे ही नहीं। देखो माँ तो पहले ही नहीं थी रिंकी की और अब न जाने वो दोनों कहाँ गायब हो गए। हेलो राह आसान नहीं पर दूसरा रास्ता भी नहीं है। इस देश के लिए जो सपना हमने देखा है उसे पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बात सिर्फ इलेक्शन जीतने की नहीं है, बात है इस देश को एक ठोस सरकार देने की। ऐसी सरकार जो गरीब से लेकर अमीर तक हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखे। सरकार का काम ये नहीं होता कि वो लोगों को बताए क्या सही क्या गलत। सरकार का काम होता है लोगों की जरूरतों को पूरा करना, इस देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, क्योंकि ये बच्चे ही कल के देश का उज्जवल भविष्य है। हमारी पार्टी में आने पर आम आदमी आम नहीं रहेगा, स्पेशल हो जाएगा। इस सब के लिए हमें सारी चुनौतियों का सामना करना होगा, जिसके लिए मुझे आप सबकी सहयोग का जरूरत है। राघव हमें कैसे भी इस किलर को ढूंढना होगा। इतनी भीड़ में उसको ढूंढेंगे कैसे? उनमें से कोई भी हो सकता है। रंजन हमें ढूंढने देगा। जैसे ही किलर अरुणा जी को मारने के लिए आगे बढ़ेगा रंजन एक बार उस तरफ जरूर देखेगा। अच्छा लगता है रंजन ने तुम्हें देख लिया। डिस्पर्स। उस 10 साल की बच्ची का पता चल गया है। रिंकी नाम है और 2 दिन से गायब है। और अजीब बात यह है कि उसका फादर सुबोध कल रात से उसका कोई पता नहीं है। ये आदमी इसे तो मैंने अभी भी यहीं कहीं देखा। अरे शोर आ गया यहाँ। राघव तपिंस
That means ये किलर है। लेकिन ये अरुणा जी को मारने की कोशिश क्यों कर रहा है? I'm sure इससे जबरदस्ती को ये सब करवा रहा है। Correct। ये तो बस एक मोहरा है। पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोई और है। रंजन ने इसकी बेटी को किडनैप किया और इसे ब्लैकमेल कर रहा है अरुणा जी को मारने के लिए। ये एक प्रोफेशनल किलर नहीं है, नहीं तो दो बार चूकता नहीं। और वो रेडियो कॉल भी इसलिए करवाया गया था ताकि ये प्रोग्राम रद्द हो जाए। वो शूट करने वाला है। अच्छा, वो क्रिमिनल नहीं, विक्टिम है। आई अंडरस्टैंड राघव, लेकिन इस वक्त हमें अरुणा जी को बचाना है। लेवल पर उतर रही है सरकार हमें नीचा दिखाने के लिए। अब देखिए मैडम, मैं मीडिया के सामने सीबीआई और सरकार की कैसे धज्जियां उड़ाता हूं। सर, हमने कोई साजिश नहीं रची है। इनफैक्ट आपके पीठ पीछे आपको मारने की साजिश रची जा रही है। बस बहुत हो, हम और कुछ नहीं सुनना चाहते, प्लीज। आप तो यही चाहेंगे कि हम चुप हो जाए ताकि आप अपनी अस्थि छुपा सके। बच्चों को स्कूल में बिना चेकिंग एंट्री के ऑर्डर्स, ताकि किलर तक गन पहुंच सके, और वहां अपने प्यारे जावेद को हेड ऑफ सिक्योरिटी बनाना ताकि वो किलर को इजी एंट्री दे सके। क्यों? झूठ? क्या बोल रहे हैं आप? एक एक बात झूठ है। मैडम, मैंने बच्चों को इसलिए बिना सिक्योरिटी चेक के अंदर आने दिया क्योंकि आप बच्चों से प्यार करती है। और रिंकी, उस बच्ची से प्यार नहीं आपको, इसलिए आपने उसको किडनैप करवा के उसके बाप सुबोध को शूटर बनाया। और आप वही है ना जो हर वेन्यू पे उसे गन एक्सेस करवाते आए हैं? अरे कौन रिंकी, कौन सुबोध, कौन है ये लोग? मैं नहीं जानता इन लोगों को। अच्छा, और मुझे ये सब करने की जरूरत क्या? जरूरत तो है, अगर अरुणा जी को कुछ हो गया तो पार्टी के लीडर तो आप ही बनेंगे और सिंपति वोट्स भी आप ही को मिलेंगे, जिससे आपके इलेक्शन जीतने के चांसेस। बस कीजिए, बहुत सुन ली आपकी बातें और बहुत देर से मैं सुन रही हूं। इसका मतलब यह नहीं कि आप जो कह रहे हैं मैंने सारी बातें मान ली। आप जानते तक नहीं है कि रंजन जी ने क्या कुछ नहीं किया है इस पार्टी के लिए। बस हो गया, नहीं सुननी मुझे आपकी कोई बात। प्लीज आप यहां से चले जाइए। मैडम, अब आप यहां से चले जाइए। आदि, मैडम को होटल ले जाओ। चलो बेटा। और आप लोग अरुणा जी से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा होगा। आप लोग भी प्लीज जाइए, प्लीज जी, जाने दो ना। अच्छा, मैं जल्द से जल्द कुछ नक्श कर रहा हूँ। जितनी बार तू मौका चूकता है ना, उतनी बार वो लोग और चौकन्ना हो जाते हैं। पर अब तो सीबीआई वाले भी घुस चुके हैं। और अगर इसने सुबह रेडियो वाले को फोन नहीं किया होता ना, तो साला अब तक पर इसे 2 मिनट के लिए छोड़ा था और इसने फोन भी कर दिया। मैं कोई किलर नहीं हूं, मैं नहीं मार सकता किसी को। पर रिंकी का बाप तो है, अगर तेरी बेटी को। नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना, मैं मारूंगा अरुणा जी को। मेरी बेटी को कुछ मत करना। ये हुई ना स्टेट चैंपियन शूटर वाली बात। देख,
अरुणा होटल में है और ये तेरा लास्ट चांस है अपनी बेटी को जिंदा देखने का। मैं सब करूंगा, आप जो बोलोगे मैं सब करूंगा। मुझे बताइए करना क्या, मुझे बताइए करना क्या। आदि कहां चला गया था बेटा? हाँ, सिक्योरिटी चेक करने गया था, डर गया था। ना डरू, मॉर्निंग में रेडियो पे थ्रेट और अब सीबीआई। बेटा ऐसी धमकियों का सामना हर उस व्यक्ति को करना पड़ता है जो देश और जनता के लिए काम करता है, पर हम रुक नहीं सकते। इस स्टेट को करप्शन फ्री गवर्नमेंट की जरूरत है। मुझे डर लग रहा है माँ आपके लिए। बेटा रंजन पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम करके गया है। अच्छा चल, तेरा मूड चेंज करने के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं। तेरी फेवरेट डिश पिज्जा। हाँ लेकिन सिर्फ इंडी पिज्जा। डन। यहाँ बाहर का खाना अलाउड नहीं है। अरे रहने दे, मैडम जी का ऑर्डर है। आ तो गए लेकिन अब करेंगे क्या? पता नहीं लेकिन सुबोध ने अपना काम कर दिया। अरे अभी तो एक पिज्जा वाला आया था तुम्हारी कंपनी से। अरे वाह इतनी जल्दी आ गए, कितना हुआ? 570 मैडम। सीबीआई वॉज राइट, रंजन ने ही ये सब प्लान किया है। मैम आई एम रियली सॉरी पर मेरे पास कोई और चारा नहीं है। माँ देखो देखो प्लीज मेरी माँ को कुछ मत करो। मैं प्लीज प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। देखो देखो तुम जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। तुम प्लीज ऐसा मत करो। देखो मुझे आपको मारना ही पड़ेगा। अपनी बेटी रिंकी को ढूंढने के लिए जब
दर दर भटक रहा था, तब मुझे दो लोग मिले। उन्होंने कहा कि अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो वैसा ही करो जैसा हम चाहते हैं। तब से बस उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा हूँ। देखिए, आप लोग को गलत फहमी हुई है। प्लीज आप, मैम आप तो मुझे कितने सालों से जानती हैं, आप तो मेरी बात का भरोसा कीजिए। साजन जी, हम जानते हैं कि आप इनोसेंट हैं। अजीब सी बात है ना, 10 मिनट पहले पिज्जा ऑर्डर किया गया, लेकिन सुबोध तो पहले निकल चुका था यहां आने के लिए, वो भी उसी कंपनी की यूनिफॉर्म पहन के जिस कंपनी का पिज्जा अरुणा जी ऑर्डर करने वाली थी। वैसे ये काम वही आदमी कर सकता था जिसकी पसंद का पिज्जा ऑर्डर किया गया, जो कभी भी कहीं भी आ सकता है, इसकी कभी चेकिंग नहीं होती। क्यों आदित्य, बहुत ही स्मार्ट और सिंपल प्लान था तुम्हारा। मां को रास्ते से हटाओ, उनके नाम और काम का फायदा उठाओ और बिना कुछ किए इलेक्शन में जीत जाओ। इतने गिर गए कि अपनी मां को मारने का प्लान बना लिया तुमने। और चाहिए थी मुझे, और मेरी मां को देश की सेवा करनी। मैं कब तक इनके समझने का इंतजार करता कि पॉलिटिक्स में चैरिटी से नहीं जीता जाता। मैं समझ चुका था कि जब तक ये, मैं मेरे पॉलिटिकल ड्रीम को पूरा नहीं कर पाऊंगा। वाह बेटा, अपना पॉलिटिकल ड्रीम पूरा करने के लिए अपनी मां की बलि चढ़ाने चला था। तू तो सच में बहुत बड़ा हो गया है रे। यहां तेरी मां पूरे देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनकी जिंदगी में उजाला लाना चाहती है, और तू अपने ही घर का दीपक होते हुए अपने ही घर में अंधेरा करने चला था। शर्म आती है मुझे तुझ पर। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज।